कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, सैनिटाइजेशन का काम जारी। कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए लॉकडाउन की पांचवी मियाद और अनलॉक की पहली मियाद में रायबरेली के कोरोना वायरस पॉजिटिव की संख्या सक्रिय हो गई है। वहीं आपको बता चले बीती रात रायबरेली में कोरोना का मरीज सामने आने से का इजाफा होने से पूरा आंकड़ा 100 पहुंच गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन व नगर पालिका ने रायबरेली के शहर स्थित भीड़भाड़ वाले इलाकों में बंदी के दिन में सैनिटाइजेशन करने का बीड़ा उठाया। शहर के द्वारा स्थित घंटाघर, सब्जी मार्केट सहित पूरे सुपर मार्केट को सैनिटाइज किया गया। देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस चीज को लेकर के प्रयासरत रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या न बढ़ने पाए। लेकिन अगर बात की जाए रायबरेली की, तो बीते दो दिनों में 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गया। लेकिन नगर पालिका की जो पूरी टीम है उसने सैनिटाइज करने का पूरा जिम्मा ले लिया है। और देखिए, इस समय आप देख सकते हैं कि रायबरेली के जो सब्जी मंडी का व्यस्ततम इलाका है वहाँ पर जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, और जो भी दुकानें यहाँ साप्ताहिक बंदी होने की वजह से दुकानें बंद हैं और लगातार यहाँ पर सैनिटाइज का काम जारी है। और कहीं ना कहीं एक जिस तरह से बीते दो दिनों में 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए यहाँ पर व्यापारी लोग हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर आज ये सैनिटाइज किया जा रहा है, इससे उन लोगों को क्या क्या सुविधाएँ मिल रही हैं। अपना परिचय बता दें। मैं सरदार हरमंदर सिंह सलूजा। आज यहाँ जो है नगर पालिका की तरफ से सैनिटाइज किया जा रहा है, इससे आप लोगों को क्या कहते हैं? व्यापारियों ने आज साप्ताहिक बंदी का दिन मांग की थी कल अपने चेयरमैन डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव जी से, कि चूंकि अब मंगलवार को ही बंदी रहती है, साप्ताहिक बंदी, इस दिन दुकानें बंद रहती हैं, तो एक अच्छा मौका है कि कोरोना से बचने के लिए जो लगातार नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है, उसी की कड़ी में आज नगर के सभी प्रमुख बाज़ारों में सैनिटाइज कराने की मांग हम सब ने व्यापारियों ने मिल करके कल की थी, और जिसपे हमें चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांग पर मंगलवार को साप्ताहिक बंदी के दिन ये कार्य कराया जाएगा। तो आज ये कार्य शुरू हो गया है, हमारे बीच में गाड़ी आ चुकी है, दुकानें सैनिटाइज हो रही हैं नगर के अति व्यस्ततम इलाकों में, कैपरगंज, किराना मार्केट, आपका सराफा बाज़ार, मालखाना सहित सब्जी मंडी आदि में ये कार्य संपन्न हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इधर से होकर के सुपर मार्केट, गुरु तेग बहादुर मार्केट और आपका ये जो कचहरी रोड है पूरा सैनिटाइज होगा। नगर के सभी प्रमुख बाज़ारों को सैनिटाइज कराने का जो आश्वासन पूर्णिमा श्रीवास्तव ने, चेयरमैन साहब ने हमें कल दिया था, वो कार्य आज पूरा होता देख हमें प्रसन्नता हो रही है कि जागरूक नागरिकों ने कल जो मांग की थी व्यापार मंडल के माध्यम से, उसको आज हम लोग यहाँ पूरा कराने का कार्य कर रहे हैं। और जो कार्य आज नहीं हो पाएगा, हम कोशिश करेंगे कि अगली साप्ताहिक बंदी के दिन भी इसके लिए हम अध्यक्ष जी से निवेदन करके ये कार्य को पूरा कराएंगे। हम रायबरेली की सभी दुकानों सहित सभी मोहल्लों को सैनिटाइज कराने के लिए, एक समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अध्यक्ष जी से मांग करके लगातार ये कार्य कराने का काम करेंगे और पूरा शहर सैनिटाइज होगा और हम कोरोना से सुरक्षित हो सकेंगे। जैसा कि आपने देखा, ये व्यापारी नेता हैं और इनका कहना है कि हम लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष से मांग की थी, लेकिन जिस गाड़ी से सैनिटाइज हो रहा है उस गाड़ी के जो नगर पालिका के ड्राइवर है वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ पर सैनिटाइज का आदेश मिला है। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, चालक, और शहर के जो समस्त चौराहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, अस्पताल चौराहा है, बस स्टाफ है, सभी मंडी है, इन सारी जगहों को मंडी के दिन सैनिटाइज किया जाएगा। आने वाले आज जो क्षेत्र छूट जाएंगे उनको बाद में बंदी के दिन, और जहाँ जहाँ सन्नाटा मिलेगा कि लोगों को केमिकल है, किसी के ऊपर नुकसान न होने पाए, इस वजह से छुट्टी वाले दिन तो पूरे में पूरे शहर को सैनिटाइज किया है यह विभागाध्यक्ष के सख्त आदेश। जैसा कि आपने देखा कि विभाग का जो आदेश है, सख्त आदेश है कि बंदी वाले दिन पूरी तरह से रायबरेली को सैनिटाइज किया जाए, तो कहीं ना कहीं रायबरेली का जो नगर पालिका है इस वक्त पूरी तरह से ध्यान दे रहा है कि रायबरेली में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने ना पाए, इसके लिए लगातार वो सैनिटाइज भी करवा रहे हैं। सिराज अहमद, SB न्यूज़, रायबरेली।